7 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ऑर्गेनो डेली केमिस्ट्री की, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं मेटल कार्बोनिल से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आज करवाने हैं, तो आप ना सबसे पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, क्योंकि हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी कम हो क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिखे, तो आप स्क्रीनशॉट से काम चला लेना। और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको वन बाय वन एक्सप्लेन तो करूंगी। तो ये जो लिखे मैं 9 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको नेट एंड गेट के पेपर में देखने को मिलेंगे या फिर जैम में भी आते हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालना और ऑर्डर ऑफ बैकबोनिंग बताना। तो ये नेट गेट और जैम तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेटल कार्बोनिल्स होते क्या है। मैं आपको बहुत सारे लिगेंड्स और मेटल की बात अभी तक कर चुकी हूँ वीडियोस में पहले से, तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर किसी भी मेटल का बॉन्ड है कार्बोनिल के साथ तो उसको हम बोलेंगे मेटल कार्बोनिल। ठीक है, अब जो कार्बोनिल होते हैं मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स कौन से? एक होता है आपका होमोलेप्टिक, एक होता है हेटरोलेप्टिक। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होमो का मतलब होता है सेम और हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहां पर सेम और डिफरेंट किससे मतलब है, ये बात कर रहे हैं लिगेंड की। अगर एक कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये मेटल हो गया, यहाँ पर कार्बोनिल है, एक्स नंबर ऑफ कार्बोनिल है, अगर कुछ इस तरह का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड। और जो हेटरोलेप्टिक है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सारे लिगेंड्स कार्बोनिल नहीं होंगे, कोई एक और लिगेंड हो सकता है, एक से ज्यादा भी लिगेंड कोई और हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लगाऊंगी मेटल, यहाँ पर कुछ एक्स नंबर ऑफ सीओ है, एक मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड, कोई भी लिगेंड है PPH3, एक मान लेते हैं क्या है सीएल है। तो इस तरह के कंपाउंड्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बोनिल के अलावा और भी लिगेंड्स जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल तो अभी भी है, मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड तो अभी भी है, लेकिन और भी लिगेंड्स आ गए हैं, तो ऐसा होते हैं हमारे हेटरोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस पे बनते हैं? बैक बॉन्डिंग पर। और जो बैक बॉन्डिंग है उसी के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं बट आपको वही पढ़ने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो पेपर में पूछा जाता था। हाँ, मुझे ना एक और चीज क्लियर कर ली थी, एक ना मेल आया था मेरे पास, उसमें बोल रहा था कोई कि मैम आप ना बाकी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो बट आप ना नोट्स नहीं देते हो और ना कि कुछ मतलब स्टेटमेंट्स में दिखाते नहीं हो, डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन करवाते हो, सिर्फ समझा देते हो एग्जाम्पल से, तो अगर आप नोट्स दोगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, उनके लिए उनका मेल था, और बाकी अगर आप कोई सोचते हो ऐसा करना चाहिए मुझे, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैं नोट्स नहीं दे पाऊंगी, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवा सकती हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ बुक में लिखी हुई है, कोई लाइन बाय लाइन वहां से पढ़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवा दूं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो सिखा दूं, जिससे आपका जो पेपर है नेट गेट और जैम का वो आपका अच्छे से निकल जाए। सेमेस्टर एग्जाम में तो हर कोई पास कैसे न कैसे हो ही जाता है, तो मेन फोकस हमेशा नेट और गेट पे रहता है। तो हमारे ये हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें ना बैक बॉन्डिंग सीखना ही क्या है, इसको पहले समझेंगे बैक बॉन्डिंग क्या है। सिर्फ बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए ना, थोड़ा बहुत घुमा फिर आगे उसमें चेंजेस करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये एक ही चीज है बैक बॉन्डिंग जो आपको सीखनी है। तो बैक बॉन्डिंग आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन इसको पहले डिटेल में देखेंगे पहले इस वाले वीडियो में, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी देखो, अगर हम बात करते हैं किसी भी लिगेंड की, कार्बोनिल की बात करते हैं, मैंने क्या किया है, कार्बन के हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ऑक्सीजन के हो गए टोटल कितने 6 2 3 4 5 6 ऐसे ही होते हैं। मैंने 2 बॉन्ड बना दिए यहाँ पर, हम एक काम करते हैं एक और बॉन्ड बना दे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख के इस साथ एक बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर इसके साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, अभी 3 बन गए, तो क्या आएगा इस पे प्लस का साइन है ना। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने प्लस लगा दिया, प्लस देने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम रिमूव कर देते हैं, कितने हो गए 3 3 6 7 8। ऑक्सीजन के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आते हैं कार्बन पे, कार्बन के आउटमोस्ट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 है ना। अगर काउंट करते हैं बॉन्ड बनने के बाद कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 होने कितने चाहिए 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और साइन लगा दिया माइनस का, माइनस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और प्लस का मतलब यहाँ पे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल लिगेंड। अब कोई मेटल है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर डोनेट हुए यहाँ पर, तो ये क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड।
इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो अब ना कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ाया नहीं, बट आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में। तो एक बात आपको ध्यान रखनी होती है वो ये कि कोई भी लिगेंड आप ले लो, हम ना बात करते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड की, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, इससे बात करते हैं। तो आपको ना एक पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए कि लिगेंड चाहे पाई एक्सेप्टर हो, पाई डोनर हो, कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सिग्मा डोनर। हर एक लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट, चाहे वो किसी तरह का भी हो, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, कुछ भी होगा तो वो सिग्मा डोनर तो हमेशा ही होगा। एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट, सबसे पहला काम तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाने का ही करेगा, क्योंकि अगर मेटल के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो उससे लेन देन कैसे करेगा बाकी वाला, है ना। तो हमेशा क्या होता है, पहले सिग्मा डोनर तो हमेशा ही होगा, कोई भी लिगेंड होगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा सीओ वो क्या होता है, पाई एक्सेप्टर, क्या होता है, पाई एक्सेप्टर। और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके पास पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी ऑर्बिटल होगा, है ना। अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार होगा, पाई है तो पाई स्टार भी होगा। इसके पास क्योंकि पाई है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई स्टार ऑर्बिटल इसके पास क्या होता है, वेकेंट होती है, उसमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो ये क्या है, पाई एक्सेप्टर। लेकिन मैंने आपको बोला कि हर लिगेंड क्या होता है, सिग्मा डोनर तो होता ही है। तो सबसे पहला काम तो ये करेगा, अगर इसको किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या करेगा, अपनी दो इलेक्ट्रॉन्स को उसको देगा और बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये वाली बात बिल्कुल कॉमन थी, सारे लिगेंड के लिए बिल्कुल सेम रहेगी, कैसा भी लिगेंड हो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है, बन गया। उसके बाद अब क्या होता है, अब जो मैं बात करती थी पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे लिगेंड ने दे दिए मेटल को। अब मेटल क्या करता है, क्योंकि मेटल के पास अपने भी कुछ होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी के जैसे आयरन मेटल मान लो उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ हमारे पास कार्बन ने दे दिए, तो कार्बन ने दिए वो ठीक है, बट उसके पास खुद के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और भी उसके पास आ रहे हैं। तो क्या होता है, क्योंकि हमारे लिगेंड के पास पाई स्टार वेकेंड है, कोई भी मतलब वेकेंड ऑर्बिटल है, तो ये चांसेस होते हैं कि जो हमारा मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस से बैक डोनेट करे किसको, हमारे लिगेंड को। तो अगर जो ये मेटल है, यहां पर मान लेते हैं हमारी एक ऑर्बिटल है, इसका नाम है इसका पाई स्टार, ठीक है, पाई स्टार है। अब अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर दे, इसमें पाई स्टार में डाल दे, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में, और मेटल यहां से हमारे पास डोनेट कर रहा है। तो जो ये प्रोसेस है ना, जिसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसके पाई स्टार में, उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब एक बॉन्ड तो इसने बना लिया, वापस ये एक बॉन्ड बना रहा है। अब क्या हो गया, ये तो हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं जिसके ऊपर से सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो देखो, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, हुआ ये है कि मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां गए हैं, पाई स्टार ऑफ सीओ, सीओ लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो देखो, अगर ये है, पहले ये हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड क्या शो कर रहा है कि यहां पर जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बना है, हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बोनिल्स के बीच में। अब अगर ये वापस इसको देगा ऐसे करके, तो यहां पे ये क्या हुआ, पाई बॉन्ड, मतलब क्या बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, सबसे पहला तो ये होगा कि मेटल से जो है पाई स्टार में जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरा वाले का क्या हुआ होगा कि यहाँ पे जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, तो क्या हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड, क्योंकि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि मेटल और कार्बन में अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो क्या हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, ये रिजल्ट है हमारे बैक बॉन्डिंग का, ठीक है। आपको समझ में आया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, दो चीजें होगी इसमें। चलो यहां तो ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया है। अब इस वाले का क्या हुआ होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड, उसका क्या हुआ होगा। उससे पहले ऐसे देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कोई भी एक हमारा मेटल है, ये लिगेंड है, इस तरह से हम करते हैं, इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया और यहां पर हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारा बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो क्या
अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इसका बोनोडर निकालो, बोनोडर निकालते कैसे करेंगे हम, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसे ही कर दो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उसका बोनोडर डिक्रीज करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है अभी एक भी नहीं है, ठीक है, पहला केस इसमें एक भी नहीं है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं दो, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं जीरो, तो टू बाई टू वन कितना हो गया, टू बाई टू वन हो गया, ठीक है, तो बोनोडर कितना है वन। अब मैं मान लेती हूँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा एंटी बॉन्डिंग में, तो बोनोडर कितना होगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में एक है, तो कितना हो गया वन बाय टू यानी कि पॉइंट फाइव। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया हमारे एंटी बॉन्डिंग में तो क्या हुआ, जो बोन ऑर्डर है वो डिक्रीज कर गया, और बोन ऑर्डर डिक्रीज कर गया मतलब क्या, बोन वीक हो गया, है ना, ऐसा ही हुआ है। तो यहां से आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी लिगेंड या किसी भी जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या कोई भी लिगेंड है उसके अगर एंटी बॉन्डिंग में जा रहे होते हैं तो बोन को वीक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो जो पाई बोन है कार्बन का ऑक्सीजन का वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना वो क्या हो गया, वीक हो गया है, बॉन्ड गेट्स वीकर, जितनी स्ट्रेंथ पहले थी उससे थोड़ा सा वो वीक हो गया है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियली क्या था, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, ट्रिपल बॉन्ड था उनके बीच में, अब कितना हो गया होगा, क्योंकि बॉन्ड तो टूटेगा, अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो टू माइनस टू कितना होता है जीरो, तो बॉन्ड तो ब्रेक ही कर गया। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि जो पहले ट्रिपल बोन था वहां पर वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डबल बोन में, तो अगर ट्रिपल बोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डबल से, इसलिए हम बोलते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बोन है वो क्या हो गया, वीक हो गया। इतना समझ में आया, सिर्फ इतना ही समझाना था, बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं समराइज कर दी जिसने मैंने आपको बताया अभी तक, कि सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बोनिल है वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, उसके बाद कार्बोनिल के पास उनके पाई स्टार अवेलेबल है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा उसको, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब देने से क्या होगा, जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड था वो तो स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आए हैं तो वो क्या हो गया होगा, वीक हो गया होगा। तो हमने दो चीजें सीखी है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बैक बॉन्डिंग से, और कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक होगा बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही सीखना था, आते हैं क्वेश्चन पर। अभी आप ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, बॉन्डिंग डिपेंड करेगी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग, सबसे पहला आता है हमारा चार्ज, चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कि जो तीनों कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें हो रही है, तो कैसे डिपेंड करेगा ये, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा आपके मेटल के ऊपर, या यूं कह लो जिस भी मेटल के पास, अगर मैं कोई भी दो मेटल ले लू, जैसे आपको देखने पहले एक हमारे पास गिवन है MnCO6 प्लस CrCO6 न्यूट्रल है और साथ में वैनेडियम CO6 माइनस, ठीक है, इस तरह से है। तुम्हें बताना है ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिस भी मेटल के पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट करेगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तो देगा, अगर उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स कम तो कैसे देगा, है ना। अभी क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करोगे, हम इनको तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर टोटल जो कॉम्प्लेक्स है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे। अगर मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, एक में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, एक में 18 है, तो 18 वाले मेटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा देगा, तो बैकबॉन्डिंग डायरेक्टली उसमें ज्यादा हो जाएगी। तो पहले कंपेयर करने के लिए कुछ चीजें तो सेम होनी चाहिए, तो यहां पर काउंट करते हैं, मैग्नेट से कितने हो गए 7 और यहां पर कितने हो गए 12, ठीक है, फिर कितना हो गया 19, और यहां से प्लस की वजह से माइनस में तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखते हैं 6 प्लस 12 18, आपको काउंट करना आ गया होगा, खुद से कर लिया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, इसके लिए आप काउंट कर लेते हैं 18, ठीक है। अभी क्या होगा कि तीनों कॉम्प्लेक्स में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 18 है, बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस चार्ज के ऊपर, यहाँ पर क्या कोई चार्ज है न्यूट्रल है तो इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी क्या है, हमारे इसको लिख सकते हैं मैग्नीज जो है उस पर प्लस चार्ज है, क्रोमियम पे क्या है जीरो, कोई चार्ज नहीं है, ऐसे लिखो चाहे जीरो लिखो चाहे ऐसे लिखो, और जो वैनेडियम उस पर कितना है माइनस वन,
इस तरह का चार्ज है। तो जिसके पास अभी क्या होता है, सीधे सीधे देखते हैं हम कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना जल्दी डोनेट करेगा। वैसे तो हम देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है तो डोनेट जल्दी कर देगा। इसका मैं आपको रीजन बताऊंगी, एग्जैक्ट रीजन क्या होता है। तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ऐसे मान सकते हो इन तीनों के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल को मैंने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, डी ऑर्बिटल है सबके पास। अब क्या होगा, इसके पास जितने भी, अगर किसी डी ऑर्बिटल में इसके पास एक न्यूट्रल वाली होती है, या इनको छोड़ो डायरेक्ट ऐसे मानते हैं कि एक डी ऑर्बिटल इस तरह से दो, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल हमने कंसिडर कर ली। अब आपको कहो पी बना दे, मैम डी बना दो, तो आप चाहो तो उसको ऐसे करके बना सकते हो क्लोज करके, बट मैं आपको सिर्फ समझाना इतना चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ एक लॉब से मतलब है, ऐसे करके समझा रही हूँ आपको। ये मानो हमारा न्यूट्रल वाला है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, न्यूट्रल मतलब जितने उसके पास वैलेंस उतने हैं, अब मैंने इसको दो इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए, मतलब ये लगा लो कि माइनस टू का चार्ज लगा के उस पर दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, अभी क्या पता जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो ऑलरेडी है, दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो ये साइज है यहाँ पे डी ऑर्बिटल का वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, जो ये न्यूट्रल वाली थी इससे ज्यादा साइज होगा किसका, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज कर गया है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि वो ज्यादा पोलराइजेबल हो गया है। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से डी ऑर्बिटल की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर गई है। और आपको पता होगा जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं, जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो जैसे ही पोलराइजेबिलिटी बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से डोनेट कर पाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो डोनेशन पावर भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप मान लो से इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जैसे इनिशियली वैलेंस वाले फाइव थे, दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दी, तो क्या होगा, जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होगा, तो साइज क्या है थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी कि डोनेशन पावर भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया रीजन इसका। बाकी इसको हम किस तरह से देखते हैं, वैसे नॉर्मल अगर हम देखते हैं कि प्लस चार्ज आ गया है अगर मेटल के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्गली अगर अट्रैक्ट करेगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो डोनेट नहीं करेगा। तो एक ही बात है ना कि यहाँ पर ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इजिली डोनेट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस आ गया तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गए हैं, जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल की वजह से क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी हो जाएगा। तो जैसे मर्जी देख लो, कंक्लूजन यही आता है कि जैसे ही माइनस चार्ज बढ़ेगा तो डोनेशन पावर भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, सबके पास 18-18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो ये वाला इसके क्या है, माइनस का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, सबसे अच्छे से डोनेशन करेगा। तो डोनेशन करेगा मतलब बैकबोन्डिंग कर रहा है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये करेगा बैकबोन्डिंग, उसके बाद ये सबसे लास्ट में, ये प्लस वाला सबसे लास्ट में। अब इसको मुझे 1-2-3 देना है, सबसे पहले कौन करेगा, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में, ठीक है। इस तरह से देखते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल, जो आपको गिवन है उनसे आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है और लीस्ट स्टेबल कौन सा है। कैसे डिसाइड करोगे, सबसे पहला काम करो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब सेम होंगे तभी उनको कंपेयर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास है Fe3CO3, सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, Fe3CO4 2- और लास्ट में है Fe3CO6 2+। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे आपको पता चलेगा सब में जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं। यहां पर कितने हैं, 8+6 समझ सकते हो। अगर मैं इसको ऑर्गेनिक से रिलेट करूं, कार्बन है उसका लगा हुआ कोई भी
वीक है, जल्दी टूटेगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उस पर अटैक करेगा, है ना, इजिली अटैक कर पा रहा है। तो ये क्या, ये वाला बॉन्ड वीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर जो हमारा मेटल है और ये उसका लिगेंड लगा हुआ है, कार्बोनिल सब में ही है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होगा, अगर ये वाला मेटल का और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मेटल लिगेंड का बॉन्ड कौन सा, मेटल का और कार्बन वाला, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मतलब कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेटल का और कार्बन का। ये वाला बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बैक बॉन्डिंग हो जाए यहाँ पर, अगर ये बैक बॉन्डिंग करे यहाँ से, इसको दे दे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना। डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड। तो बस देख लो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें हो रही है, -2, 0, +2, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ड्यूरेबल का साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर इंक्रीज करेगी। तो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, है ना। बैक बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसमें होगा, इसमें होगा। सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दिस थ्री, मोस्ट स्टेबल। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि प्लस टू चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखेगा, देगा नहीं ऐसे मान लो, या फिर जो डी ऑर्बिटल का साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, इस तरह से निकालना था। इसलिए मैंने बोला आपको कि जो मेटल कार्बन के जो क्वेश्चन आते हैं सब में ऑलमोस्ट बैक बॉन्डिंग वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, बस आपको लगाना आना चाहिए। अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है मुझे आपको, वो ये कि जो ये फॉस्फेन लिगेंड होता है ये किस तरह से वर्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, मस्त एकदम अच्छा सा मेथड है, उससे आप निकालोगे सारे आंसर्स। तो बात करें किसकी, फॉस्फीन की। फॉस्फीन क्या होता है, ये हमारा फॉस्फोरस है, इस साथ में लगे हुए हैं कोई भी अपने तीन, हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिए या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। ठीक है, अब ये क्या होता है, आपको बताने थर्ड क्वेश्चन में डोनर एबिलिटी, जितना ज्यादा डोनेट करेगा तो हम क्या करना है, सबसे पहले तो बात यहाँ पे देखो कि जो किसी भी फॉस्फीन लिगेंड की जो डोनर एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि जो फॉस्फोरस है उसका जो ग्रुप्स अटैच है वो किस तरह के हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो डोनर एबिलिटी होती है फॉस्फीन लिगेंड की, डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर यहाँ पर जो आर मैंने लगाया है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा यहाँ पर होंगे तो डोनेट भी अच्छे से करेगा, है ना। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी, इसके नेचर के ऊपर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और आप क्या बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिए तो क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ही उसकी डोनर एबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इनवर्सली का मतलब अगर ये इंक्रीज होंगे तो ये डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये डोनेट कर ही नहीं पाएगा अच्छे से, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉस्फोरस है, उस पर मैंने लगा दिया लेट से CH3। ठीक है, एक ये लिगेंड है, एक मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा दिया, मान लो फॉस्फोर फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, R3। R मतलब कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे R क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, बताना है ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी, तो इसके पास लोन पेयर तो है, वो तो दोनों के पास है, ज्यादा अच्छे से डोनर एबिलिटी किसकी होगी डिपेंड करेगा इन ग्रुप पे। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, प्लस आई शो करता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से डेल्टा माइनस आया, इसके वजह से भी क्या होगा डेल्टा माइनस, इसके वजह से भी डेल्टा माइनस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस पर इंक्रीज कर रही है, तो अच्छे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी साइड पुल करेगा, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, डेल्टा माइनस, इसके क्या आएगा डेल्टा प्लस, इसकी बात करते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसकी बात करते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस।
तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डेटा प्लस आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज कर रही है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, मतलब देगा बट इससे कम देगा, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। अभी जैसे ये हो गया, एक यहाँ पर हो सकता है आपको कौन सा लगा हुआ, फिनाइल, फिनाइल लगा हुआ यहाँ पर, फिनाइल मतलब ये पीएच, पीएच मतलब ये है फिनाइल, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे कि इसका हमें कौन सा देखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कार्बन लगी हुई तो हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें या फिर जो हमारे पास देखिए पाई बॉन्ड्स हैं तो कैसे देखें। अब ये इस तरह का हो गया, एक किस तरह का लिगेंड हो सकता है कि यहाँ पर ओएम ही लगा हो, मान लो ये। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ओएम का हमें माइनस आई इफेक्ट देखना है या फिर प्लस एम इफेक्ट देखना है, तो ऐसे सब में कंफ्यूज होने के बजाय आप क्या करोगे, इतना तो समझ में आया ना। अब मैं एक ऑर्डर लिख पाती हूँ उसको फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो एक जनरल ऑर्डर है फॉस्फीन लिगेंड्स के लिए, सिर्फ फॉस्फीन भी लगाना कहीं और मत लगाना, ठीक है। फॉस्फीन की बात कर रही हूं मैं, तो डोनर एबिलिटी जो है सबसे ज्यादा, मतलब ये बात कर रहे हैं हम पी आर थ्री की, तो जो आर है अगर ये एल्काइल ग्रुप है, मान लो एल्काइल ग्रुप है अगर, तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी एल्काइल, उसके बाद अराइल, अराइल मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग अगर लगी, बेंजीन अगर लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद होती है ओएमई को क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और सबसे लास्ट में हलाइल। बस इस वाले ऑर्डर को ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एल्काइल अराइल एल्कोक्साइड हलाइल। कैसे इसको लिख सकते हो यहां पर, जैसे मान लो मैं आपसे पूछती हूँ, यहां पर लिखा हुआ है पी सी एच थ्री थ्री, यहां पर लिखा हुआ है पी पी एच थ्री, यहां पर लिखा हुआ है पी ओ सी एच थ्री ट्राइस, यहां पर लिखा हुआ है पी एफ थ्री। तो अगर बात हो रही है इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप, वैसे भी आप देख सकते हो और ऐसे देखना ज्यादा इजी रहेगा इनके कंपेरिजन में। मैंने बोला एल्काइल सबसे अच्छे से डोनेट करेगा तो सबसे अच्छे से ये करेगा, उसके बाद अराइल ये, फिर आपका एल्कोक्साइड और ये, समझ गए। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अच्छा एक को बताते हो, एक और बात, एक और बात, अगर आप, मैंने बोला है अल्काइल, तो मान लो ये हो सकता है यहाँ पर इथाइल लगा दिया, इथाइल थ्री और ये लगा दिया सी एच थ्री थ्री, ठीक है। तो ये दोनों ही अल्काइल है, इन दोनों में से कैसे देखोगे, तो इन दोनों में देखने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो ज्यादा इफेक्ट देगा। तो यहाँ पर क्या, इथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट होता है क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मिथाइल, है ना, तो ये ज्यादा होगा और उसके बाद ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं प्लस आई से ही ज्यादा इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अच्छा, इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ऐसे आपको देखना है यहाँ पर क्या है, मैंने हलाइड की बात करी, तो यहाँ पे मान लो आपसे पूछ लिया पीसीएल थ्री और पीएफ थ्री, तो आपको पता है जो एफ है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, है ना, आधे दोनों हैलाइड में है बट ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा ये अच्छे से डोनेट कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, तो इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी पीएफ थ्री से, समझ गए इतना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और क्लियर होगा, अब पहले खुद से करके देखो, मैं करवा रही हूं बाद में मैच करना, पहले खुद से करो। कंपेयर
कंपेयर कर लीजिए, सिमिलैरिटी क्या क्या है, पहले सिमिलैरिटी देखो, उसके बाद देखो डिफरेंस कहां पर है। तो कंपेयर सिर्फ डिफरेंस पे करोगे, सिमिलैरिटी पे नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। यहाँ देखो बेंजीन बेंजीन सब में है, बस यहाँ पर यहाँ पे एच लगा हुआ है, एच के प्लेस पे पैरा पोजिशन पर एच है, यहाँ पर पैरा पोजिशन पे सी एच थ्री है, यहाँ पर क्या है एफ। तो ये जो अमना फिनाइल है बेंजीन रिंग जो लगी हुई तो सब में सेम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, इससे एच सी एच थ्री एफ, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी हम कंसिडर करते हैं एच और सी एच थ्री, ठीक है। एल्काइल इसका प्लस आई इफेक्ट ऑब्वियसली एन से ज्यादा होगा, है ना। तो जो ये है इसको मैं ए मान लू, ये बी और ये सी, ठीक है। तो जो बी है उसमें क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सी एच थ्री, तो इसकी क्या होगी डोनेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और जो सी है हमारा उसमें लगा हुआ फ्लोरीन विच इज हैलाइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को भी सब पुल करेगा, है ना। तो क्या होगा डोनेटर जो डोनर एबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो डिक्रीज करने की वजह से सी वाला सबसे लास्ट में जाएगा और बीच में बचेगा अपना ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका ऑर्डर, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बीच में वो जिसपे ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाले क्वेश्चन का ऑर्डर। थर्ड पे आओ, फोर्थ पे, पहले फोर्थ पे। अच्छा फोर्थ कराने से पहले ना एक और कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिमिलर ही है बट थोड़ा सा अलग है, मतलब सिमिलर है पर थोड़ा सा देखने का जो मेथड है वो अलग है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर बात हो रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इन दोनों में से ए और बी में से कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, कार्बन कार्बन मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी या फिर इसकी ज्यादा होगी, कैसे देखेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे मेटल कार्बोनिल की, है ना। अभी हमें बात करनी है मेटल के साथ जब एल्कीन लगी हुई, ये मैंने सिंपल एल्कीन लगाई है। तो अगर बात हो रही है मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स की, तो हम बोलते हैं मेटल ओलिफिन, ओलिफिन मतलब क्या एल्कीन्स को भी बोलते हैं ना ओलिफिन, तो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, इनको भी बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। आपको अगर पहले वाली बैकबोन नहीं समझ में, तो ये वाली भी समझ में आएगी। अभी देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो बनेगा तो क्या होगा, जो ये पाई बोन है ये डोनेट करेगा यहां पर, है ना, एक सिग्मा बोन बन गया। अभी क्या होगा उसके बाद, ये जो मेटल है ये वापस इसके पास होगी पाई है, तो पाई स्टार भी होगा, है ना। तो यहां पर भी बैक बोनिंग होती है कि जो ये मेटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पाई स्टार में, ठीक है। तो अभी जैसे यहां पर था एक तो मेटल का और कार्बन का बोन था और एक कार्बन ऑक्सीजन का बोन था, तो यहां पर भी वैसे ही बोन है कि एक तो मेटल का इस पूरे लिगेंड के साथ बोन, मतलब मेटल का कार्बन का डिस्टेंस, और दोनों कार्बन लगा दो कि मेटल का दोनों कार्बन से डिस्टेंस, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये है, एक कौन सा है, इन दोनों कार्बन कार्बन का, ऐसे ऐसे जैसे यहां पर एमसी था और साथ में सीओ था, यहां पर क्या है एमसी और साथ में सीसी, ठीक है, बिल्कुल सेम है। जब बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इन दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर बोल दो कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो यहां पर सीसी बॉन्ड जो हमारा वीक हो गया। अब जैसे मैं आपको स्ट्रॉन्ग या वीक बोल रही हूं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अगर उसका मतलब क्या, अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज करेगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, बॉन्ड वीक हो रहा है, वीक होने का मतलब तो उसकी लेंथ बढ़ रही है ना। तो यहां पर हम बोलते हैं लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगी शॉर्टनिंग, मतलब जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग अगर हो रहा है तो डिस्टेंस जो कम होगा, डिस्टेंस का मतलब क्या, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक कौन बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में ऐसे देखते हैं, यहां पर बड़ी हो गई है और यहां पर डिक्रीज कर गई है बॉन्ड लेंथ, उस तरह से भी देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बस अभी क्वेश्चन हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने कार्बोनिल में किया था वैसे ही करना है, सेम वहां पर लगाना है, पहले कुछ ट्राई करो। लॉन्गर का मतलब जिसमें बड़ी होगी, बड़ी किसमें होगी, जिसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो प्लेटिनम है, PPH3 वाला जो पोर्शन है जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है, तो ये तो सेम है, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा,
हम देखेंगे। यहां पर ये क्या है, इस पे लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी एच एच, खोल के लिखते हैं अच्छे समझ में आएगा। फिर ये जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, प्लेटिनम था लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी और यहां पे ग्रुप लगे हुए सी एन सी एन। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी उसका साइज मतलब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बैक बॉन्डिंग पर। अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। ये तब समझ में आया ना, तो वहीं से करना है हमें। अभी हमें ये देखना पड़ेगा दोनों लिगेंड जो है वो तो पीपीएच सी है तो उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो बिल्कुल सेम है। यहां पर भी ये सेम बनाना है आपको पीपीएच सी। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है इसके जो एल्कीन है उसके ग्रुप में डिफरेंस है जो ये वाले लगे हुए हैं। अब जो सीएन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। जो प्लेटिनम है वो तो दोनों ही केसेस में डोनेट करेगा बट यहां पर क्या है ये जो इनसे क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों, प्लेटिनम तो डोनेट करेगा यहां पर भी और यहां पर भी, ज्यादा अच्छे से डोनेशन किसमें होगा, अब इसने तो डोनेट कर दिया इसका तो देखना है क्योंकि डिफरेंस आया हुआ तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को पुल कर पा रहे अपनी साइड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे है ना, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इसलिए क्या होगा इसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बट जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पाई स्टार में आ रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और वीक हो रहा है मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए बी वाले केस में जो है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि बैक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है। तो एल्कीन से देखना क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा एल्कीन में क्या होता है, जो ग्रुप लगे हुए एल्कीन के साथ जैसे एच को रिप्लेस करके सीएन लगाया है सी एच थ्री लगाया है उस समय भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे अपनी साइड तो क्या होगा बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से होगी, ज्यादा अच्छे से होगी मतलब क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे पाई स्टार में, पाई स्टार आ रहे मतलब क्या होगा बॉन्ड वीक हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड वीक हो रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बॉन्ड लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है तो मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा होता है। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी डिक्रीज करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो बी वाला होगा उसमें जो हमारी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, इतना ठीक है। अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर, सेम साइन ये होगी इसमें, बस ये है कि आपको एक ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई लिगेंड लगाया हुआ है यहां पर ऐसे और यहां पर हमें दिया है ये और यहां पर दिया है एफ एफ, लेकिन इसका कुछ है मेटल ओलिफेंट डिस्टेंस। अगर मैं इसको मान लेती हूं ए, इसको ऐसे लगा लो एच एच लगा लो यहां पर, इस वाली एल्कीन को हमने ए मान लिया और इसको मान लिया हमने बी, हमें बताना है मेटल ओलिफिन का डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, इन दोनों एल्कीन्स में से मेटल ओलिफिन का डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा। कैसे देखेंगे, बैक बॉन्डिंग से ही देखेंगे। मेटल ओलिफिन कौन सा, इस वाले मेटल की और इस वाले बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो डिस्टेंस क्या करेगा डिक्रीज करेगा है ना। तो पहले देखो बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, फिर से वही वाली बात आती है, ये तो डोनेट यहां पर भी करेगा यहां पर भी बैक बॉन्डिंग करेगा बट ये कितना अच्छे से उसको विड्रॉ कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये फ्लोरीन क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ज्यादा अच्छे से पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पर है ना, और अगर पुल करेंगे तो क्या होगा बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो तो वीक हो जाएगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, वीक होने से क्या होगा जो बॉन्ड लेंथ है बीएल जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने से क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो जो हमारे पास जो मेटल है और जो ओलिफिन है ये मेटल ओलिफिन का जो ये बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज करेगा मतलब बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करिए मतलब डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिस्टेंस की, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में इसलिए जो बी वाला है वो क्या होगा उसका डिस्टेंस कम होगा
ए से मेटल ओलिफिन का डिस्टेंस, ठीक है, बी वाले का कम होगा, बोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे ऐसे में करना था। तो समझ आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं इधर वाले क्वेश्चन पर, इनमें क्या है, एक नई टर्म यूज होगी, वो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन लगेगा उसमें भी बैकबोन नहीं ली। अब ना फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, पहले क्या होता है, आपने पहले से पढ़ी हुई, मैंने आपको पढ़ाया था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, जब हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, वहां पर मैंने वाइब्रेशन में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और वाइब्रेशन में क्यों, जब मैंने आपको ऑर्गेनिक वाला भी पढ़ा था आईआर, तो वहां पर भी तो बताया था मैंने ये वाला फॉर्मूला, तो जैसे हम उसमें कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या होता है 1/2πkn, ऐसे होता है। ये क्या है, ये है आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है बोन स्ट्रेंथ, ये क्या मतलब, वैसे तो फोर्स कॉन्स्टेंट है ये, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है बोन स्ट्रेंथ को, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा रिड्यूस्ड मास। ये फॉर्मूला बहुत ही कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमें सिर्फ दो चीजों से मतलब है, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक की बोन स्ट्रेंथ के फोर्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। पर आप देख रहे हो फॉर्मूले से जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के, और के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारी बोन स्ट्रेंथ को, तो मतलब जितनी ज्यादा आपकी बोन स्ट्रेंथ होगी, जितना आपका बोन स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उतनी ही ज्यादा होगी, ये तो ठीक है, जितना ज्यादा बोन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा होगी आपकी के की वैल्यू, और जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतनी आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। बस इतना ही था, अब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ। इससे पहले मैं वहां पर जंप करूं, उससे पहले चीज देखो, जो पहले देखा था वही देखा वापस से, इधर देखो हमने क्या कहा था, मेटल का बोन बनवाया था इसके साथ, है ना, अगर मेटल वापस डोनेट करके वाला बोन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब क्या, के की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं मेटल और कार्बन की फ्रीक्वेंसी की, तो बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन की फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि बोन क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है कार्बन और ऑक्सीजन की वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से हमारी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक होगा तो क्या करेगा, मतलब के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और के की वैल्यू डिक्रीज करेगी मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब पढ़ो क्वेश्चन को, अब कर लोगे, जो आपको एबीसीडी कॉम्प्लेक्स गिवन है आपको बताना है सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फ्रीक्वेंसी बाद में अरेंज करेंगे, पहले बैक बॉन्डिंग अरेंज कर लेते ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो सारी। हम अरेंज कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि फिर बैक बॉन्डिंग से रिलेट करके अपने आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो बैक बॉन्डिंग, सब में आप काउंट करो तो आपको दिखेगा सब में ही क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, चार्ज देखो +1, 0, -1, -2, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी जो डोनेशन पावर है, डोनेटिंग पावर वो भी ज्यादा होगी, है ना, मतलब बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी इनडायरेक्टली। तो क्या कहेंगे, अभी सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें हो रही है, डी में, उसके बाद सी में, देन बी, और सबसे लास्ट में क्या हमारा ए, ये ऑर्डर है हमारा बैक बॉन्डिंग का। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अगर बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कौन से वाला बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ को ध्यान से देखना, डी में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्ड ज्यादा वीक इसी में हुआ होगा, है ना, बॉन्ड ज्यादा वीक इसमें हुआ है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, सबसे कम, ऐसे करके सी, देन बी और ए, क्योंकि ए में सबसे कम बैक बॉन्डिंग हुई है, सबसे कम बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ आई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है हमारा के, ये क्या है फोर्स कॉन्स्टेंट, ये रिप्रेजेंट किस होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के के, तो जो ये वाला ऑर्डर है ये आपका फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी अगर ऑर्डर लगाना है तो बस ये लगा लो कि जिसमें जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक होगा के की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू कम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा मतलब वीकनिंग की बीच में आ रही है, तो सबसे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है, इस तरह से करना था। अब जो ये वाला क्वेश्चन है आपको उसमें मैच करना है, 1984 है,
मैच क्या करोगे, ये आपको कॉम्प्लेक्स क्यों है, रोडियम कार्बोनेट फोस्फीन और यहाँ पे सीएल लगा हुआ है। फोस्फीन जो है चार कॉम्प्लेक्स बनेंगे अलग अलग, ये उसकी वैल्यू दी हुई है। तो बोल रहे अगर जो ये फोस्फीन है उसकी वैल्यू अगर वो पी सी सी सिक्स एफ फाइव थ्राइस अगर होती है वैल्यू, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में से कौन सी होगी। दिस इज 1923, 1965, 1984, 2004, ये है। तो कैसे करोगे इसको, हमें बाकी से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सब में ये वाला पोर्शन तो सेम है, ये वाला पोर्शन भी सेम है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, सिर्फ लिगेंड में। इसमें तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था बैंक बॉन्डिंग मतलब जो डोनेटिंग पावर है, जो डोनर एबिलिटी है वो क्या होती है, एल्काइल फॉस्फीन केस में एल्काइल, देन एराइल, देन एल्कोक्साइड, सबसे लास्ट में हैलोजन, है ना, ये होती है, हमें इतना पता है। ये जो है सबसे ज्यादा इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, डोनर एबिलिटी ज्यादा मतलब जो बैक बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब बॉन्ड जो सबसे ज्यादा वीक फ्रीक्वेंसी का होगी, डिक्रीज करेगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा मतलब बॉन्ड वीक होगा यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो बस यहां पर देखो सब में क्या है, ये हमारा क्या है, आपको दिख रहा होगा C6H4 ये है क्या, अगर मैं ऐसे बनाऊ ये तो कार्बन तो 6 है, ये अटैच हमारा रोडियम से, ठीक है, ये वाला यहाँ पे अटैच करवा दो उसको रोडियम से, और जो पहला पोजीशन है उस पर आपका लगा हुआ है मिथाइल, तो कितना हो गया 1 2 3 4 C6H4Me, इस तरह से लगे हुए हैं सारे लिगेंड्स, ठीक है। तो ये बेंजीन वाले रिंग तो सब में कॉमन है, डिफरेंस कहां पर है, यहां पर आपका मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर एफ लगा हुआ है, तो मिथाइल मतलब एल्काइल लगा हुआ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस आई से देगा, तो ये प्लस आई से देगा, ये माइनस आई से मतलब सबसे कम होगी इसमें बैक बॉन्डिंग जो है वो लिस्ट, ठीक है, इन दोनों से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इसकी लिस्ट और इस वाले की क्या होगी, बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ भी लगा हुआ, सिर्फ एच लगा हुआ है, मतलब ऐसे मानो इसको सिर्फ एच लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या है, देखो C6H5 का मतलब क्या है, यहां पे एफ लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एफ लगे हुए मतलब ये हैलाइड है, तो हैलाइड सबसे पीछे रहने देते, पहले बात करते हैं इनकी, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। यहां पर एच है, यहां पर क्या है, C4H9 नहीं होगा, C4H5, ये C4H5 होगा, ठीक है, C4H9 ही है ये, C4H9 का मतलब ये वाला 1 2 3 4 ये वाला ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब वो एरोमेटिक वाला नहीं, तो सिंपल ये एल्काइल है, और अगर एल्काइल है तो सबसे ज्यादा क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा करेगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा कर रहे हैं मतलब बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा, है ना, तो बॉन्ड सबसे वीक होगा मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, हमारी इसकी, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो जो ये वाली वैल्यू है ये होगी हमारी इसकी, ठीक है। उसके बाद ये एरोमेटिक वाले अराइल वाला पार्ट है सारा, तो यहाँ पर ये डोनेटिंग वाला ग्रुप लगा हुआ एल्काइल वाला, तो नेक्स्ट वाली जो कम फ्रीक्वेंसी है वो इसकी होगी 1965 इसकी हो जाएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं इन दोनों की, इनमें क्या है, ये वाला ग्रुप है, एक साइड तो ये लगा हुआ है और एक साइड सिर्फ एक फ्लोरीन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरीन ज्यादा है, मतलब जो हैलाइड वाला पार्ट ज्यादा है वो, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बहुत ज्यादा करेगा अपनी साइड, तो इतने अच्छे से डोनेट नहीं कर देगा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को, इसीलिए क्या होगा, बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होगी, सबसे कम होगी, और अगर बैक बॉन्डिंग कम हो रही है मतलब जो सेव का बटन वो स्ट्रॉन्ग ही है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2004 वाली वैल्यू ये वाली, और जो बाकी बचते हैं वो हमारी किसकी हो जाएगी, 1984 इसकी, ठीक है। इस तरह से देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपका आंसर आप वैसे निकालने का ट्राई करोगे नहीं निकलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है लेकिन अप्लाई इसमें होना है वो नहीं पता। आपको बताना है जो दोनों कॉम्प्लेक्स लिखे हुए यहाँ पर टाइटेनियम के, इनमें ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इस वाले की या फिर इस वाले की, सीओ की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो कैसे देखोगे, यहाँ पर देखो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि जो मेटल है दोनों में टाइटेनियम है, ठीक है, जो कार्बोनिल है यहाँ पे भी दो ग्रुप है, यहाँ पर भी दो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो लिगेंड है वो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो ऐसे वाले केसेस में कैसे कंपेयर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग ज्यादा किसमें वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिगेंड्स ही अलग है, कुछ कंपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि जो कंपेयरिंग वाले फैक्टर्स है वो सारे अलग अलग है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो सेंट्रल मेटल है ना उसके निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट,
ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सीयू क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड, तो इनकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं यहां पर। ये क्या है, सीपी है ना, ऐसे होता है ये, तो ये माइनस आ रहा है प्लस, इसके वजह से कितना आएगा प्लस। तो जो ये वाला टाइटेनियम है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस टू। अगर ऐसे समझ में नहीं आया कैसे करोगे, इसको करके दिखाता हूं। जैसे हमने पहले आपको वीडियो में सिखा था वैसे करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड जो टाइटेनियम से निकाले इसको एक्स मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू, एक और ऑक्सीजन है इसका कितना होगा माइनस टू। यहां पर है P83 न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड, इसका भी जीरो 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 जीरो, इज इक्वल टू कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है जीरो, तो इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ गया प्लस फोर। तो यहां पर जो है वो टाइटेनियम कौन से स्टेट में है, टाइटेनियम में प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पर है टाइटेनियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। अब बताओ कि जो अपनी फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल किसमें ज्यादा होगी, आपको बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है बैकबोन ही डिक्रीज करेगी, है ना। इसको कैसे समझोगे, या तो पोलराइजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, या फिर लगा लो कि इस पे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा ही, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो बैकबोन ही डिक्रीज कर जाएगी, बैकबोन ही डिक्रीज करेगी, मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन का बोन है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तो इस वाले केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बेसिकली आपको सिर्फ इतना निकालना है कि बैकबोनिंग हो रही है फिर नहीं होगी। अगर बैकबोनिंग होगी, जिसमें बैकबोनिंग होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई स्टार में, पाई स्टार इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा, के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, के डिक्रीज करेगी मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहां से निकाल लिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब ना ये कंपेयर हो सकता है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से कंपेयर हम कर सकते हैं। मैग्नीज है, उससे अगर आपको दिख रहा हो नीचे वाला पार्ट, यहां देती हूं मैं, मैग्नीज है, सीयू लगे हुए तीन, ठीक है, दोनों में ये तो कॉमन है, डिफरेंस कहां पर है, एक में तो डायरेक्टली ये लगाया हुआ है हमारे पास सीपी वाला लिगेंड, और एक में कौन सा लगाया हुआ है, यहां पर लगा हुआ है एस एस वाला, मतलब क्या है सीएचटी, मतलब यहां पर क्या है सीएचटी लगे हुए हैं। तो आपको बताना है इसमें भी वही कि कार्बन और ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा किसमें होगी, ठीक है। कैसे बताओगे, ये तो कॉमन इतना पार्ट, दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कहां पर है सिर्फ इस वाले लिगेंड में। तो देख लो, जो लिगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं मेटल को, वहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी। आपको पता है यहां पर तो एचएच लगे हुए सब में, है ना, और यहां पर लगे हुए सीएचटी, सीएचटी क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्लस इफेक्ट लगाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, ये इस वाले मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डोनेट ज्यादा करेगा, डोनेट ज्यादा करेगा मतलब क्या करेगा, इंडायरेक्टली सी होगी बॉन्ड को वीक कर देगा, बॉन्ड वीक हो गया यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इस वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा किसकी होगी, इसकी, ठीक है, क्योंकि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा मैग्नीज को, वो पास कर देगा सीओ के ऑर्बिटल में। तो आई होप जितने एग्जांपल्स मैंने करवाए आपको इस वीडियो में आपको समझ में आए होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अजय कुमार वाली बुक में, या फिर जो बीडी गुप्ता वाली बुक है उसमें। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब एक बता दूं डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप वीडियो प्ले करते हो उसके ना, जैसे प्ले करोगे फोन को वर्टिकल अगर रखोगे प्ले करोगे तो यहाँ पर एक ऐसा सिंबल बना आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे पूरा नीचे ड्रॉप डाउन वाला ऐसा मैन्यू सा ओपन होता है, उसमें क्या होता है जो मैं आपको लिंक देती हूँ वहां पे मिलेंगे आपको। तो उसमें आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगी, पीडी गुप्ता वाली बुक का भी और अजय कुमार वाली बुक का भी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे मेटल कार्बोनिल्स के, सोल्व कर लेना, ट्राई कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, खुद से कर लोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।